ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमिर बरकी फ्रॉम 47th कॉमन मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स ग्रुप। ओके, दिस वीडियो विल बी अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फॉरेन पॉलिसी पे मैं क्यों उनकी वीडियो बना रहा हूँ? बेसिकली हमारा करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट, इवन पाकिस्तान अफेयर्स में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू मे बी अफगान जो इशू है या उसी तरह के जो बाकी इश्यूज होते हैं, यू वुड सी अ कांस्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल एरिना पॉलिटिक्स में, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है, वो यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी, यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आपको कहीं ना कहीं से उनका रेफरेंस दिए बगैर आप कोई भी इशू पे एनालिसिस ही नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि यूनिपोलर थी वर्ल्ड दुनिया, फिर उसके बाद बाईपोलर हुई, एंड नाउ वी आर लिविंग इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। लेकिन वो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, लेकिन पॉलिटिकली द वर्ल्ड इज स्टिल यूनिपोलर, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट का जो है एक प्रोमिनेंट से है बाकी स्टेट्स के हवाले से। सो उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे काम करती है, वो अपनी पॉलिसीज को, उनके अपनी पॉलिटिक्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, तो उनको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन से चार इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ द फॉरेन पॉलिसी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की है, और वो किस तरह उनके प्रेसिडेंशियल डॉक्ट्राइंस में से ही निकली हुई हैं। सो मैं जब अपने सेशन पढ़ाता हूँ स्पेशली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उसमें मैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ज़रूर पढ़वाता हूँ, मैं सॉल्व कराता हूँ, वो सारी फेजेस वाइज डिवाइस करता हूँ और फिर बताता हूँ कि कौन सी फेज में कौन से डॉक्ट्राइंस फॉलो होते थे और आजकल कौन से डॉक्ट्राइंस फॉलो हो रहे हैं और कौन सी मिक्स चल रही है उनकी फॉरेन पॉलिसी की। तो वो एक डिटेल्ड लेक्चर होता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल दोज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और आई होप कि मैं 10 से 12 मिनट में एक इंक्लूसिव सी अंडरस्टैंडिंग आप सबको दे पाऊँ। सो वॉच दिस वीडियो, आई होप के आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह। ओके जनाब, कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख ली हैं। एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। नॉर्मली इट वुड टेक मी 1 से 1.5 घंटा जब मैं ये US हिस्ट्री के सेशन में या इंटरनेशनल रिलेशंस के सेशन में जब मैं ये पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को जितने अच्छे तरीके से, आसानी के साथ मैं समेट सकूँ, ताकि आप लोग इसको एग्जीक्यूट भी कर सकें पेपर में, और आपको पता भी हो कि फॉरेन पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट की किन पैरामीटर्स पे काम करती है। सो बेसिकली 4 मेन डिटर्मिनेंट्स हम देखेंगे, वो मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें मैं एंड पे आपको एक चार्ट भी बना के दे दूँगा। देखें, पहले तो फॉरेन पॉलिसी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और सारे के सारे अपनी जगह सही भी हैं। लेमेंस लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि अगर हम इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, नेशनल पे हो, रीजनल हो, इंटरनेशनल हो या ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है उसको सिक्योर करने के लिए जो स्टेट कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, उस टूल का की जो एमलगमेशन है उसका नाम है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो जो ये फॉरेन पॉलिसी होती है ये हवा में नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ों को देख के एक स्टेट फॉरेन पॉलिसी बनाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को अगेन अगर हम समेटें, मैं कोशिश ये करता हूँ कि चीज़ों को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ले आता हूँ, ताकि फिर बच्चों को समझ आराम से आ जाए उस चीज़ की। फॉरेन पॉलिसी के 2 मेन डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि स्टेट देखता है और उसके बाद बनाता है, यानी कि इसकी बड़ी बड़ा रोल होता है किसी भी स्टेट के फॉरेन पॉलिसी के बनने में। इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं कुछ जो रोल प्ले करते हैं, और एक्सटर्नल वेरिएबल्स। देखिए, इंटरनल वेरिएबल्स में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, उसमें इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो भी आ जाता है, स्टेट के अंदर के जो पॉलिटिकल यानी के जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल पॉलिटिक्स हो गया, सोसाइटी, ठीक है, कल्चर, आइडियोलॉजी, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं रोल प्ले करती हैं, स्टेट देखता है, गवर्नमेंट देखती है और उसके मुताबिक फॉरेन पॉलिसी बनाती है। इसको इवन इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में लो पॉलिटिक्स भी कहा जाता है।
ठीक है, लो पॉलिटिक्स। एक्सटर्नल वेरिएबल्स कौन से हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी की शेपिंग रिशेपिंग में काफ़ी यानी कि उनका हाथ होता है, रोल होता है? उसमें आप कह सकते हैं जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी में फिर जियो स्ट्रेटजी, जियो इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, और एट द सेम टाइम इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फॉरेन पॉलिसी में नॉर्मली एक स्टेट देखता है और उसके बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी डिवाइस करता है। ये तो हो गया एक अबाउट फॉरेन पॉलिसी। जब हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो चार बड़े इम्पॉर्टेंट विजन्स हैं जो उनके फाउंडिंग फादर्स ने या उनके प्रेसिडेंट्स ने दिए हैं। तो जब भी यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन पॉलिसी का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि ये फलाना विजन जो है फॉलो हो रहा है आजकल, ठीक है। तो उसमें से चार बड़े प्रोमिनेंट जो है विजन्स हैं। एक उनका फाउंडिंग फादर है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जो कि एक इकोनॉमिस्ट था, एक बैंकर था, जिसका सारा फोकस किस चीज़ पे था ज़्यादातर? नेशनल इकोनॉमी पे, कि किस तरह इकोनॉमी को इस्तेमाल करके स्टेट को उठाया जाता है, किस तरह इकोनॉमी को इस्तेमाल करके इंटर स्टेट रिलेशंस को अच्छा या बुरा किया जा सकता है। सो अलेक्जेंडर हैमिल्टन वो बंदा था, पहला कैबिनेट का पहला ट्रेजरी सेक्रेटरी यही था, ठीक है। उनका जैसे ही जैसे मुल्क आज़ाद हुआ, पहली कैबिनेट में यानी कि आप समझे कि फाइनेंस मिनिस्टर था उनका अलेक्जेंडर हैमिल्टन। उसी से ही, उसी के नाम से जो विजन है फॉरेन पॉलिसी का, उसको कहा जाता है हैमिल्टोनियन विजन। सो ये चार नाम बस आप लोगों ने याद रखने, हैमिल्टोनियन विजन अलेक्जेंडर हैमिल्टन से आया। जेफरसोनियन, थॉमस जेफरसन उनका एक प्रेसिडेंट था, ठीक है, 1801 से लेके गालबन 1809 तक इसका टाइम था, उससे निकला जेफरसोनियन विजन। एंड्रयू जैक्सन उनका अगेन एक प्रेसिडेंट रहा है, ठीक है, 1829 से लेके 1837 तक, उसके नाम से है जैक्सोनियन विजन। और फिर उसके बाद तकरीबन 1913 से लेके 1921 तक वुड्रो विल्सन, ये प्रेसिडेंट रहा यूनाइटेड स्टेट का, और उसके नाम से है विल्सोनियन विजन। सो बेसिकली चार डिटर्मिनेंट्स, चार विजन्स कौन से हैं? हैमिल्टोनियन, जेफरसोनियन, जैक्सोनियन एंड विल्सोनियन। और वो कहाँ से आए? वो इन प्रेसिडेंट्स के नाम से आए। अब देखें, जो ये हैमिल्टन था, डिटेल चूंकि मैं नहीं बता सकता, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हैमिल्टन जो था, हैमिल्टन का सारा फोकस क्या था? इकोनॉमी, वो इकोनॉमी को देखता था, नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये आपने याद रखना है हैमिल्टोनियन विजन में। जो जेफरसन था, ये जो प्रेसिडेंट था, इसके इरा में इसने क्या किया? लार्जली अगर हम देखें, फॉर्मेटिव फेस चल रहे थे मुल्क के, ये चूंकि 1801 से लेके 1809 कुछ इसका टाइम था, सो अभी अभी मुल्क बना था, सो इसका मकसद क्या था? मुल्क को उठाना है, ठीक है, मुल्क को डेवलप करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने अलाइंसेस में नहीं पड़ना। वो कहता था कि एक्सटेंड बट Avoid entangling alliances। ये फ्रांस और इंग्लैंड के साथ ट्रेड भी करता था, और उनके जब जंग होते थे तो ये कहता था कि भाई मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। सो इसीलिए इसके इरा को अगर हम एक क्लॉथ में रैप करें तो हम कहेंगे कि इसकी अप्रोच क्या थी? आइसोलेशनिज्म की, ठीक है। उसके बाद जनाब आते हैं जैक्सन पे, एंड्रयू जैक्सन, जो कि तकरीबन 1829 से लेके 1837 तक 8 साल रहा। ये एक वॉर जनरल था, ठीक है, ही वुड ऑलवेज बिलीव इन यू नो टेकिंग एक्शंस, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना, पहले से तैयार रहना, प्रोएक्टिव अप्रोच, ये सारी चीज़ें इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा थी। सो इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो भी काफ़ी एग्रेसिव थी, फॉरेन भी, नेशनल भी। इंडियंस जो रेड इंडियंस थे, नेटिव अमेरिकन्स थे, उनको रिमूवल के एक्ट जारी करना, एट द सेम टाइम जो बाहर की यानी कि ममालिक हैं, बाहर की कंट्रीज़ है, उनकी तरफ एक्सपेंड भी करना, और जो स्पोलिएशन क्लेम्स थे यानी कि जो डैमेज हुआ था यूनाइटेड स्टेट को, उसकी जो डैमेज पेमेंट होती है वो क्लेम करता था। सो ही वाज वेरी प्रोएक्टिव इन हिज अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ से जनाब हमें एक वर्ड अगर हम निकाले तो हमें मिलेगा प्रीएम्प्टिव,
प्रीएम्प्टिवनेस, ठीक है, प्रीएम्प्शन। तो प्रीएम्प्शन हमें यहां से मिली अप्रोच। और जो लास्ट वुड्रो विल्सन है, देखिए वुड्रो विल्सन का जो टाइम है 1913 से लेके 1921 तक, वुड्रो विल्सन कैसा बंदा था? वुड्रो विल्सन डेमोक्रेसी ओरिएंटेड था बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए मुख्तलिफ थीरीज होती है ना, मुख्तलिफ डिप्लोमेसीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें से एक है डेमोक्रेटिक पीस थीरी, पीस ओरिएंटेशन की उसमें बात होती है। ये बंदा कहता था कि द वर्ल्ड मस्ट बी मेड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। ही वॉज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, कि किस तरह बस डेमोक्रेसी हो, लिबरलिज्म और ये चीज़ें, कोऑपरेशन, लीग ऑफ नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस है, इसकी चीज़ें यही इसी बंदे ने फॉलो की थी। इसके बड़े 14 पॉइंट्स इसने दिए थे, जिसको विल्सोनियन ऑप्टिमिज्म भी कहा जाता है, या विल्सोनियन आइडियलिज्म का नाम भी उसको जो है दिया जाता है। सो ही वॉज ऑल अबाउट क्या? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। और उससे निकला है डेमोक्रेटिक पीस थीरी। सो ये जो मैंने चार चीज़ें लिखी हैं, ये चार मेजर डिस्कोर्सेज हैं बेसिकली, ठीक है। नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि इकोनॉमी ओरिएंटेड पॉलिसी मेकिंग, ये विजन। आइसोलेशनिज्म एक अलग तरह का विजन है टोटली। प्रीएम्प्टिवनेस, प्रीएम्प्शन एक अलग विजन है। और डेमोक्रेटिक पीस थीरी, कोऑपरेशन, विन विन गेम जो है, पॉजिटिव सम एनालिसिस उसको कहा जाता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे विजन्स हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी जो है, कभी कहा जाता है कि आजकल विल्सोनियन विजन फॉलो हो रहा है, आजकल जैक्सोनियन विजन फॉलो हो रहा है। तो इन चार ये आपके पास टूल्स हैं जिनकी बेसिस पे आप एक एकेडमिक एनालिसिस करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी पे। अब अगर मैं इसको जल्दी जल्दी से, मैं इरा वाइज अगर आप लोगों के लिए एक चार्ट बना सकूं, तो मैं कुछ इस तरह का कहूंगा कि पहले मैं एक इरा लूंगा। कौन सा इरा है, ठीक है, वो फेज कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी क्या थी यूनाइटेड स्टेट की। देखें अगर हम एक्टिव एरा से इसको ले, यानी कि अगर मैं 1900 से बात शुरू करूं, ठीक है, सो 1900 से लेके, क्योंकि उससे पहले का जो जितने भी सेंचुरी है वो सारी फॉर्मेटिव फेज में ही सारी लगी हुई है, तो ये भी उसी के ही फॉलो अप है। 1900 से लेके 1950 तक फॉरेन पॉलिसी क्या थी यूनाइटेड स्टेट की, फेज क्या चल रहा था उनका। जनाब ये फेज उनका चल रहा था किस चीज का? सस्टेनेबिलिटी का। ये कुछ वर्ड आप लोगों ने याद रखने हैं, सस्टेनेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी। ये खुद चीजें खुद से भी याद रखें आप, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सो इरा जनाब ये हुआ, फेज चल रहा था सस्टेनेबिलिटी का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिपेंडेंस तो जाहिर सी बात है सेंचुरी पहले अचीव कर ली थी, अपने ऊपर काम कर रहा था, फॉर्मेटिव फेजेस में चल रहा था, सो सस्टेन करना चाहता था अपने आप को। सो सस्टेनेबिलिटी के फेज से यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो गुजर रहा था इस टाइम, कि कैसे मैं अपनी अचीवमेंट्स को या अब तक जो अचीव किया है, मैं किस तरह अपनी ग्रोथ को, अपने प्रोग्रेस को सस्टेन करूं। तो ये फेज था उनका सस्टेनेबिलिटी का। फॉरेन पॉलिसी क्या थी जनाब? फॉरेन पॉलिसी इनकी इस टाइम पे थी आइसोलेशनिज्म, ठीक है, आइसोलेशनिज्म की फॉरेन पॉलिसी थी, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, अलायंसेस नहीं बनाना, बस अपना ट्रेड करना है, अपना काम निकालना है, अपने आप को बनाना है। तो यहां पे आइसोलेशनिज्म का, जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि कौन सी अप्रोच फॉलो हो रही है? जेफरसोनियन अप्रोच। जेफरसोनियन की प्रेसिडेंसी के ट्रेड्स ये थे, इसीलिए इसको अगर मैं कहूँ कि जेफरसोनियन ट्रेड फॉलो हो रहे थे उस टाइम में, तो गलत नहीं होगा। ये एक एस्पेक्ट हो गया। उसके बाद 1950 से लेके, ठीक है, 1990 तक, ये इम्पॉर्टेंट एक इरा है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली वो कौन सा टाइम है, ये कोल्ड वॉर इरा है ना, तो ये
इरा क्या है और इस इरा में कौन सा फेस था। इस इरा में जो फेस था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी का। देखिए एक फ्रेज है जो आप लोग पढ़ लें कहीं से, मिथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये वो टाइम है कोल्ड वॉर इरा में यूनाइटेड स्टेट्स क्या कहता था अपने आप को। यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को कहता था कि मैं चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी हूँ, ठीक है। सो इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो एक चीज़ जो बढ़ रही है दुनिया में, कौन सी चीज़ थी, कम्युनिज्म था, उसको मैं रोकूं, उसको मैं कंटेन करूं, ताकि मैं दुनिया को एक बेटर यानी कि क्या वर्ल्ड सिस्टम प्रोवाइड कर सकूं। सो ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एक उसकी चीज़ें थी जिसमें वो सारे उसको कहते हैं, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन उसको मिथ कहा जाता है, मिथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोल्ड वॉर इरा में यूनाइटेड स्टेट्स का खुद को ये कहना और दुनिया को ये कहना कि एक्चुअली इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज स्टेट्स एंड टू कंटेन कम्युनिज्म, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए आफ में वो कुछ भी कर लेता था, कहीं पे भी इंटरवेंशन कर लेता था, कुछ भी कह लेता था, ठीक है। सो फेस चल रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इरा जनाब कोल्ड वॉर इरा है। फॉरेन पॉलिसी में कौन सी किस तरह की चीज़ें थी, फॉरेन पॉलिसी में हम देखते हैं इंटरवेंशनिज्म, ठीक है। इंटरवेंशन से निकला है इंटरवेंशनिज्म, यानी कि ये वो टाइम था कि जब वियतनाम में, नॉर्थर्न अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में और एट द सेम टाइम साउथ एशियन एस्पिरेशंस भी यूनाइटेड स्टेट्स की चल रही थी, जो कि बाद में अफगान वार की शक्ल में रियलाइज भी हुई। सो वो इंटरवीन कर रहा था पहले से ही सारी चीज़ों में। तो हम क्या कहते हैं कि एक प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्शन वाली फॉरेन पॉलिसी थी, और प्रीएम्प्शन में हमने किसको देखा था, एंड्रयू जैक्सन को, जो कि वॉर जनरल था और उसकी प्रेसिडेंसी के ये ट्रेड्स हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि इंटरवेंशनिज्म, प्रीएम्प्टिवनेस, जैक्सोनियन विजन फॉलो हो रहा था। और जो ये मिथ की बात करते हैं ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेमोक्रेसी को सिक्योर करना वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे हमें विल्सन, वुडरो विल्सन यानी कि विल्सोनियन विजन के ट्रेड्स भी मिलते हैं, जो कि डेमोक्रेसी की बात करता है, डेमोक्रेसी को सिक्योर करने की बात करते हैं। सो इट वाज अ मिक्स ऑफ विल्सोनियन एंड जैक्सोनियन विजन इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद 1990 से लेके अगर हम प्रेजेंट डे तक की बात करें, तो ये हमारा इरा हो गया। कौन सा फेज चल रहा है, फेज इसको कहा जाता है वल्नरेबिलिटी का, ठीक है। देखिए जब यूनाइटेड स्टेट्स पे हमला होता है, 9/11 होता है, तो यूनाइटेड स्टेट एक बात शुरू करता है कि मैं वल्नरेबल हो गया हूँ अटैक्स को, ठीक है, ससेप्टेबल हो गया हूँ मैं। तो इसकी लिगाफ में वो क्या करता है, किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अपनी अपनाता है, उसमें अगेन इंटरवेंशन भी आ जाता है, उसमें प्रीएम्प्शन भी आ जाता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी करते थे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। सो जब उस पर अटैक होता है तो वो अफगानिस्तान में भी आ गया जनाब, इराक वॉर भी उसने शुरू कर दी कि वहाँ पे WMDs हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं वगैरह वगैरह। सो वल्नरेबिलिटी का फेस चला, फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंटरवेंशनिज्म, प्रीएम्प्शन की बात करते, यानी कि जैक्सोनियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो आना शुरू हो गई थी, ठीक है। और एट द सेम टाइम इकोनॉमी के थ्रू इंटिमिडेट करना, इकोनॉमी के थ्रू यानी कि अपने एम सिक्योर करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमी वाली वो हमारे पास आ जाती हैं कहाँ से, हैमिल्टोनियन से, जो हैमिल्टोनियन विजन था जिसमें नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात थी। बताने का मकसद ये है, एज आई सेड कि इट वुड टेक मी अबाउट 1 hour or 2 hours टू डिलीवर दिस लेक्चर इन डिटेल, लेकिन जो मैं आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी असाइन कर रहा हूँ, इसकी आप लोगों ने खुद से प्लेसमेंट करनी है। जब कोल्ड वॉर इरा था, ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स करता था। यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता था, यूनाइटेड स्टेट्स कैश डॉलर डिप्लोमेसी, ठीक है, मार्शल प्लान जो हुआ था,
ठीक है, कि जिसमें वो डॉलर्स देता था तमाम उन ममालिक को जो सफ़र हुए वर्ल्ड वॉर टू के बाद, और उनको अपनी किटी में ले आया। तो क्या इस्तेमाल किया था? एक्चुअली उसने इकोनॉमी का इस्तेमाल किया था अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सी अप्रोच थी? वो थी हैमिल्टोनियन अप्रोच। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि इकोनॉमी के थ्रू अपने एम सिक्योर किए जा रहे हैं, ठीक है, अपनी एम्बिशंस को अचीव किया जा रहा है, रियलाइज़ किया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि हैमिल्टोनियन अप्रोच है। जहाँ पे भी अंडर द गाइज ऑफ डेमोक्रेसी काम निकाला जा रहा हो, आप कह सकते हैं कि विल्सोनियन अप्रोच है। जहाँ पे भी पहले से ही एक्शन लिया जा रहा हो, गन बोट डिप्लोमेसी कह लें, एग्रेसिव शटल डिप्लोमेसी कह लें, आप कोअर्सिव डिप्लोमेसी कह लें, तो आप कह सकते हैं कि जैक्सोनियन अप्रोच फॉलो किया जा रहा है। और जहाँ पे भी आप क्या हैं कि यानी कि जहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, अपने आप को पीछे रख रहा है, ठीक है, एक्सटेंडेड डिटरेंस से काम ले रहा है, खुद पीछे रह के बाकियों को आगे कर रहा है, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, उसको फिर आप कहेंगे कि आइसोलेशनिज्म की अप्रोच है, जेफरसोनियन। उसमें देखें जो ट्रंपिज्म है, आजकल जो ट्रंपिज्म है, ट्रंपिज्म में बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं ना, एक तो इस्लामोफोबिया आ गया, ठीक है, दूसरा आ गया अमेरिका फर्स्ट, और तीसरा क्या, एंटी इमिग्रेंट्स जो उसकी अप्रोचेस हैं। अब अमेरिका फर्स्ट क्या है? अमेरिका फर्स्ट ये है कि जनाब मैंने खुद में इन्वेस्ट करना है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो अभी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो जकुआ पासिन भी निकल गए, वो मुख्तलिफ यानी कि जो इन्वायरमेंटल पैक्ट से उससे भी निकल गए, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को मैं क्या करूँ, बूस्ट करूँ, ठीक है, अमेरिका पहले आता है। तो यानी कि वो एक्चुअली क्या हो रहा है, दुनिया से उसने आइसोलेट होना चाहा ताकि मैं खुद को मजीद से मजीद बेहतर कर सकूं। तो यहाँ पे जो ट्रेट्स मिलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जेफरसोनियन विजन फॉलो हो रहा है। जो प्रेजेंट इरा है और जो ट्रंप की प्रेजिडेंसी है, जो करंट फॉरेन पॉलिसी है ऑफ यूनाइटेड स्टेट, उसको आप ये चारों जो विजन्स हैं, इन सब विजन्स के आपको ट्रेड्स मिलेंगे, यानी कि विल्सोनियन भी मिलेगा, जेफरसोनियन भी मिलेगा, जैक्सोनियन भी मिलेगा, और हैमिल्टोनियन भी मिलेगा। कहीं पे वो इकोनॉमी से काम ले रहा है, कहीं पे जनाब वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहा है, पहले से ही एग्रेशन शो कर रहा है, कहीं पे वो आइसोलेट हो रहा है, और कहीं पे वो कहता है कि चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी है हम, और अंडर द गाइज ऑफ डेमोक्रेसी दे आर रियलाइजिंग बोथ यू नो जस्टिफाइबल गोल्स भी और अनजस्टिफाइबल गोल्स भी। सो इस तरह से चीज़ों को डिवाइड किया करें, ये चार पांच विजन्स याद रखें और इसकी एप्लीकेशन किया करें मुख्तलिफ इरा में, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में। और ये जो बीच में मैंने डिप्लोमेसी कोट की, बेसिकली जो IR में कहते हैं कि थीरीज की एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन, वो ऐसी ही की जाती है, एनालिसिस ऐसे ही बिल्ड किया जाता है। तो दिस इज इट फॉर नाउ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ऑलरेडी, आई ट्राइड कि मैं उसको कम कर सकूं, लेकिन दिस इज़ सच एन एक्सटेंसिव टॉपिक, बट सो इम्पॉर्टेंट कि मुझे था कि एटलीस्ट जो बच्चे अभी अपियर हो रहे हैं 2021 में, उनको एटलीस्ट एक ब्रॉडर एस्पेक्ट की मैं चंक्स दे सकूं इम्पॉर्टेंट, ताकि उसको सामने रखते हुए वो अपने पेपर में इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस टर्मिनोलॉजीज को वो लिख के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंशाल्लाह सिक्योर कर सके। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इसके बाद मैं कुछ डिप्लोमेसीज और इंटरनेशनल रिलेशंस की थीरीज एप्लीकेशन पे कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोस बना सकूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो उससे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।